तो वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। भाई हम देख रहे हैं स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट है, बेस्ट वेरिएंट। आप अलॉय से साइज टॉप समझ रहे हो क्योंकि यहाँ S11 खड़ी हुई है। इसमें अलॉय शोरूम की तरफ से लगवाए गए, बट यहाँ बम्पर है ना जो इसका बॉडी कलर मिलेगा S11 में, और बेस वेरियंट में आपको ब्लैक मिलेगा। ये भी आप शोरूम से सेम बॉडी कलर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं और अपनी गाड़ी को S11 बनवा सकते हैं, क्योंकि शोरूम का पेंट की बात ही अलग है यार। इनकी जो फ्लोर रहती है ना, मैचिंग काफी अच्छी आती है। बाकी बेस वेरिएंट है, शोरूम की तरफ से मॉडिफाई कराया, गाड़ी का मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ क्या क्या कराई है और क्या क्या गाड़ी में मिल जाता है हमें। तो बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। तो इसमें हमें मैनुअल वाइपर्स मिलते हैं विद टू वॉशर्स, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी कुछ इस तरह से, बॉनेट भी मिलेगा, एयर इनटेक का डमी पार्ट मिल जाता है हमें, ग्रिल मिलती है, आपका लोअर पार्ट इसका जो इंसर्ट वाला पार्ट है वो मैट ब्लैक और अपर पार्ट ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा। महिंद्रा का लोगो गार्निश में ग्लोसी ब्लैक नीचे मिलेगा, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक में मिलेगी, फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते, हाइलोजन बेस हेडलैम्प्स मिलेंगे इसमें, डुअल बैरल यहीं पे आपका इंडिकेटर है इस जगह पे नीचे। बाकी गाड़ी का फ्रंट देख लो आप, लग कितनी अट्रैक्टिव रही है। ब्लैक कलर ना, ब्लैक माफिया इसकी कोई जगह ले ही नहीं सकता भाई स्कॉर्पियो क्लासिक की। आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो अलॉयज इसमें डाले हुए हैं S11 में, यही अलॉयज मिल जाते हैं हमें देखने के लिए। इन्होंने शोरूम से ही अपने एस वेरियंट के अंदर अलॉयज डलवा लिए हैं। फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, टॉप वेरिएंट में भी आपको यही मिलेगा, क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा S11 में ना, ये बॉडी कलर मिल जाता जो मैं बता रहा था, बट इसमें मैट ब्लैक में मिलेगा क्लैडिंग का पार्ट आपको फेंडर पर देखने के लिए। फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रेयर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, नीचे आपका फुटरेस्ट लगा हुआ है, डोर्स पे भी नीचे आपको क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिलेगा, स्कॉर्पियो भी लिखा हुआ है बट ब्लैक में है, स्कॉर्पियो S11 में ये सिल्वर में मिल जाता है। वीडियो पड़ी हुई है, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा उसका, वो भी देख सकते हैं आप। डोर हैंडल्स मैट ब्लैक में मिलेंगे, ORBM हमें इसके बिल्कुल ही मैनुअल मिलेंगे, मैनुअली एडजस्ट करने होंगे और मैनुअली आपका ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे हाथ से। ए पिलर सेम बॉडी कलर मिलेगा, बी पिलर भी बॉडी कलर है, ऊपर रूफ रेल्स लगा दिए गए हैं इसमें जो स्कॉर्पियो में मिलते हैं हमें देखने के लिए, क्लासिक में वही रूफ रेल्स लगे हैं। बी पिलर सेम बॉडी कलर, पीछे क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाएगा, ये DEF के लिए होता है, इस साइड पे जो टैंक होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल डलता है यहाँ पे। बाकी मैं डोर हैंडल्स आपको दिखा चुका, सेम बॉडी कलर है, ORBM ब्लैक है बॉडी कलर, बट सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट भी इसको आप स्टिक से कर सकते हैं और फोल्ड एंड फोल्ड मैनुअली करने होंगे। यहाँ आपका DEF, ये आपका क्या नाम है वेंटिलेशन के लिए, थर्ड रो में ग्लास आप खोल सकते हैं थोड़ा सा। बाकी अलॉयज गाड़ी की लुक और इन्हेंस कर रहे हैं रेयर लुक पे, यहाँ पे LED बेस्ड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर, ये बैकलाइट, स्कॉर्पियो की बैजिंग, स्कॉर्पियो क्लासिक एस की बैजिंग, माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको S11 में भी नहीं मिलता। यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर पॉइंट किए हुए हैं, स्पेयर व्हील यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए नीचे, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी रेयर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और यहाँ पे ना स्पॉइलर में वॉशर की जगह दी हुई है, ये स्पॉइलर शायद शोरूम की तरफ से लगाया गया है, जैसे इसमें एसेसरीज लगी हैं, अलॉयज वगैरह लगे हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब इंटीरियर में चलने से पहले की दिखा दूँ। कुछ इस तरह की मिलती हैं हमें विदाउट सेंटर लॉकिंग, टू फ्लिप की मिल जाती हैं, बट इसमें सेंटर लॉकिंग लग चुकी है महिंद्रा की तरफ से, आप देख रहे होगे महिंद्रा का लोगो भी लगा हुआ है, ये बटन्स हैं इसमें सारे लॉक अनलॉक का, म्यूट करने के लिए, ये गाड़ी को साउंड करने के लिए, और ये बूट गेट खोलने के लिए, ये पता नहीं वर्क करता है नहीं करता, इसका यूज़ देखेंगे अभी। पर चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो वही बैच कलर में पूरा इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। मैं चाबी लगा देता हूँ पहले इसकी, ब्लैक और बैच कलर में डुअल टोन में। यहाँ पे हमें ORBM एडजस्ट करने के लिए स्टिक मिल जाएगी, डोर ओपनर, ये डोर एक्स सैंडल कंपोनेंट लगाया गया है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है शोरूम की तरफ से, ये लेदरेट सीट्स हैं, थोड़ी थोड़ी जो आर्टिफिशियल लेदर आता है, ये सीट कवर्स नहीं, एक बार देख के बताता हूँ क्योंकि वहाँ भी स्कॉर्पियो खड़ी हुई है पूरी, तो ये स्कॉर्पियो क्लासिक ही खड़ी हुई है। हाँ तो सीट्स ये ऐसी ही सीट्स मिलती हैं स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर हमें, बाकी आप देख लो इस तरह के रिम्स मिलते हैं स्टील रिम्स, तो भाई सीट्स तो यही मिलती हैं हमें, सेमी लेदर है, लेदर की सीट है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, नीचे तीन पैंडल, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ऊपर आइडल स्टार्ट स्टॉप, फ्यूल कैप खोलने के लिए, ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए, AC वेंट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा रिवर्स कैमरा मैंने जैसे दिखाया यहाँ मिलता नहीं, बट यहाँ ना एसएस सीरीज के तौर पे यहाँ बम्पर में इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा दिया गया,
स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, तो विदाउट एनी रैप स्टेयरिंग मिलेगा हमें, फोर स्पोक में कोई फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाती है आपको, स्टेयरिंग टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, कोई स्पोक्स पे कंट्रोल नहीं मिलते, महिंद्रा का लोगो, टोटल दो एयरबैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी फीचर में हमें, यहाँ पे मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ वाइपर कंट्रोल, कुछ इस तरह का मीटर मिलता है ग्रीन लाइट में, यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपका है वो पूरा एनालॉग में है, एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ दोबारा से, तो हम इसे जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ ऊपर DEF की नोटिफिकेशन आ रही है, ये RPM आपका, ये स्पीडोमीटर दोनों एनालॉग में मिलेंगे, RPM भी और स्पीडोमीटर भी, यहाँ एक MID मिल जाएगी, फ्यूल गेज, लेफ्ट में इंजन टेम्परेचर गेज, यहाँ पे आपका बटन्स मिल जाएंगे ट्रिप चेंज वगैरह करने के लिए, मोड्स के लिए, बॉनट भी आप स्कॉर्पियो का जानते हो कितना प्यारा आता है देखने में, यहाँ दो AC वेंट मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, और ये म्यूजिक सिस्टम जो कि शोरूम की तरफ से लगाया गया है टच में, इसमें हमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट USB के थ्रू होगा, और नेविगेशन वगैरह भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, या वेदर वगैरह भी आप इसमें देख सकते हैं, बाकी डिस्प्ले अच्छी लग रही है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के थ्रू, यहाँ पे आपका क्लाइमेट कंट्रोल्स, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स, ये AC हाई लो के लिए, यहाँ पे आपका हजार लाइट का बटन, बाकी है कुछ नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ भी स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है आपको, 6 गेट ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर है, चारों पावर विंडो मिलेगी, यहाँ विंडोज के कंट्रोल है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, ग्लोव बॉक्स, यहाँ आपको छोटा सा ग्लोव बॉक्स मिलेगा, चुन्नू पुन्नू सा, SRS एयरबैग, स्कॉर्पियो की बैजिंग, ऊपर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेंगे, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक एंटीना फिट किया गया है गाड़ी के अंदर ही, बाहर का कलेश ही खत्म कर दिया, ये आपका वेंटी मिरर सन वाइजर में, इस साइड प्लेन मिलेगा, ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे, तो यहाँ जैसे ही पैसेंजर डोर ओपन करेंगे तो वही पूरा बैच कलर में आपको इसका इंटीरियर में दिखा चुका, डोर ओपनर, डोर एक्सेस हैंडल, पीछे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे ये निकाले हुए हैं पीछे रखे हुए हैं, सीट नई गाड़ी में रखे हुए आते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बाकी इस सीट पे यार तीन लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हो, दो AC वेंट मिल जाएंगे पीछे, रीडिंग लाइट बीच में है, दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं थर्ड रो में, तो यहाँ कुछ इस तरह से ये भी स्पीकर्स लगाए गए हैं, ये डोर एक्सेस हैंडल, डोर ओपनर, ये अगर सीट फोल्ड कर देते हो आप, ये यहीं के हेडरेस्ट हैं आगे वाले, पीछे भी दो लोग बैठ सकते हैं, अगर बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो आपको ये सीट फोल्ड कर सकते हैं। तो भाई ये था आपका इंटीरियर एक्सटीरियर स्कॉर्पियो S का, सब कुछ दिखाया मैंने आपको, इंजन स्पेसिफिकेशन आप लोग जानते हो, फिर भी मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ, गाड़ी कैसी लगी कमेंट बताएं, वीडियो कैसी लगी कमेंट बताएं, बट मेरा ओपिनियन ये है कि स्कॉर्पियो NV आ गई पर इस गाड़ी की मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।